दूसरों के लिए कुछ करने का जज्बा हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती, और कुछ ऐसा ही हुआ दिल्ली के राजेश शर्मा के साथ। आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले राजेश चाहते हैं कि किसी और गरीब बच्चे को पैसे की कमी के चलते पढ़ाई लिखाई बीच में ना छोड़नी पड़े, और इसीलिए उन्होंने दिल्ली में मेट्रो पुल के नीचे ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। धरती वाटी सागर वाटा मत वाटो इंसान को। इन चमकती आंखों में बहुत से सपने हैं। इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक बनने का सपना, आसमान छूने का सपना, और सपना देश की सेवा का। ऐसे ही कई सपने चलकर आज स्कूल तक आ पहुंचे हैं। लेकिन अब इन सपनों को सच करने का बीड़ा उठाया है एक मामूली सी दुकान चलाने वाले राजेश ने। पर आज राजेश पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम कुछ गरीब बच्चे अपने मुकाम तक पहुंच जाएं। और आज यहाँ खुले आकाश के नीचे, सड़क पर चलते यातायात के बीचों बीच, एक मेट्रो ब्रिज के नीचे कुछ गरीब बच्चों के भविष्य को संवारने में पूरी शिद्दत से जुटे हुए हैं। मेरे कभी भी घर में ऐसा कोई सपना नहीं था कि मैं जो है एक स्कूल चलाऊं। मेट्रो को अचानक एक दिन में देखने के लिए आया था सन 2006 में। वहाँ पर आकर के देखता हूँ गरीब स्तर के बच्चे जो है मट्टी धूर में खेल रहे थे। मैंने बच्चों के माँ बाप से कहा कि आप जो है ऐसा करो कि कुछ दिन के लिए यहाँ पर आए हो तो कम से कम कहीं पे इन बच्चों को पढ़ाओ, तो हम 2-4 महीना रहेंगे, चले जाएंगे। मैंने कहा चले जाएंगे, लेकिन जो मास्टर इन बच्चों को जो चीज़ दे देगा वो वापस तो नहीं ले पाएगा, वो उनकी हो जाएगी, कहीं पर भी जाकर उसको प्रयोग करेंगे। कुछ नहीं तो मेट्रो की दीवार को ही ब्लैक बोर्ड बना लिया और शुरू हो गई मेट्रो ब्रिज के नीचे शर्मा जी की क्लास। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि यहाँ के पढ़े कई बच्चे उच्च संस्थानों में भी पहुँच चुके हैं। यहाँ से ही कहना 10 बच्चे हुआ टारगेट जो है डॉक्टर का हुआ है, समझे, वो DPMI इधर जो है पढ़ता है न्यू अशोक नगर में, वहाँ पर बच्चे को जो है क्या नाम है एडमिशन कराया गया, वहाँ पर जो है पढ़ रहे हैं बच्चे। इस स्कूल में राजेश का साथ दे रही हैं लक्ष्मी चंद्र। बिहार से आए साइंस के ग्रेजुएट लक्ष्मी चंद्र एक किसान मजदूर के बेटे हैं और 2010 से ही इस स्कूल की शुरुआत से जुड़ गए। बिहार नालंदा में गरीब बच्चों को पढ़ाया करता था, तो उस बात को यहाँ भी रखने का प्रयास किया और मैं उनके बच्चों को हम फ्री एजुकेशन देने का प्रयास किया। समय समय पर विदेश से आए स्वयंसेवी और आसपास के शिक्षित नागरिक भी बच्चों को पढ़ाने में यहाँ अपना समय दे रहे हैं। शिक्षा का उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण विकास करना है। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय का पाठ पढ़ाता ये स्कूल अपनी कोशिशों से अशिक्षा के अंधेरे से निकलने में इन गरीब बच्चों को एक सुनियोजित दिशा दे रहा है। दिल्ली से गुड न्यूज इंडिया के लिए नमिता की रिपोर्ट, DD News। तो राजेश एक प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं और